हे हेलो हेलो गाइस, आ गए गाइस फायरलाइट की और एक नए फ्रेश वीडियो के साथ। तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाइस दिखाऊंगा कैसे जो आप लोग फायरलाइट 84 फुल बॉडी व्यू में खेल सकते हो। मतलब कि गाइस फायरलाइट 84 गाइस हाफ बॉडी व्यू आता है, आप लोगों को पता ही होता है। लेकिन गाइस आप लोग जो यहाँ पर गेम प्ले देख रहे हो, मैं पूरा फुल बॉडी, मेरा जो कैरेक्टर है उसका फुल बॉडी दिख रहा है। तो आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, ये ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले कुछ यूट्यूबर ने ये वाला गेम प्ले छोड़ा था, मतलब कि ये फुल बॉडी व्यू गेम प्ले छोड़ा था। उन लोगों को भी नहीं पता होता कि कैसे ये हुआ था, ये था उन लोगों ने सिर्फ गेम प्ले छोड़ा था, कैसे आप लोग जो कर सकते हो वो उन लोगों ने नहीं बताया था। लेकिन मैं इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगा कौन सा ट्रिक है, आप लोग भी कैसे खेल सकते हो ऐसा करके, ठीक है। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड गाइस वीडियो को पूरा वॉच करते रहना, क्योंकि वीडियो वॉच नहीं करोगे तो मैं इसका जो प्रोसेसिंग का एक पासवर्ड है, तो पासवर्ड में वीडियो के किसी भी जगह पर मैं दे दूंगा तो आप लोग मिस कर जाओगे, ठीक है। तो पासवर्ड के बिना गाइस ये वाला जो ट्रिक है आप लोगों को वर्क नहीं करेगा, ओके। तो चले गए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले एक ही चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, एंड गाइस अच्छा लगे तो लास्ट में एक लाइक दे देना, एक छोटा सा कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सो गाइस आ गए हो वीडियो में, एंड गाइस आप लोग जो है कैसे ये फुल बॉडी व्यू खेल सकते हो फायरलाइट 84। एंड गाइस ये जो है गाइस एक ग्लिच है, लेकिन मुझे ये नहीं पता चला कि ग्लिच कैसे वो हुआ था। लेकिन मैं आप लोगों को एक कॉन्फ़िग फाइल देने वाला हूँ, वो कॉन्फ़िग फाइल से आप लोग जो है गाइस पूरा इसी तरह से खेल सकते हो, हर एक गेम खेल सकते हो, ठीक है। हर एक गेम गाइस आप लोग खेल सकते हो। तो प्रोसेस क्या है गाइस, स्टेप बाय स्टेप गाइस बिना स्किप किए देखो, क्योंकि गाइस पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो गाइस, एक भी स्टेप आप लोग अगर मिस कर देते हो तो गाइस आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तो मैं गाइस प्रोसेस देख लो अच्छी तरह से। सो गाइस सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये वाला जेड आर्चीवर नाम का ये वाला ऐप गाइस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोड करने के बाद गाइस आप लोगों को ये ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जाना है। आप लोगों को मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस एक कॉन्फ़िग फाइल का लिंक गाइस दे दूंगा, वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। कॉन्फ़िग फाइल दे दूंगा आप लोगों को, वो डाउनलोड करने के बाद गाइस वो फाइल को सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। तो पासवर्ड मैं वीडियो के किसी भी गाइस जगह पे मैं दे दूंगा, वो पासवर्ड गाइस देख लेना। तो वो पासवर्ड यहाँ पर सिंपली दे देना, ठीक है। तो देने के बाद गाइस यहाँ पर एक फाइल क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ़िग फाइल नाम का देख सकते हो यहाँ पर। तो कॉन्फ़िग फाइल का नाम का ये जो फाइल है गाइस, ये फाइल को सिंपली यहाँ से कट करना है। तो कट करने के बाद गाइस क्या करना है गाइस, आप लोगों को पूरा बैक आ जाना है, डिवाइस मेमोरी पे आ जाना है। तो एंड्रॉयड में आना है, डेटा पे आना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को फायरलाइट का जो फाइल है एक, वो फायरलाइट का फाइल यहाँ पर ढूंढ लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को जूम करके दिखा दूंगा मैं वो फायरलाइट का फाइल। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस ये रहा फायरलाइट का फाइल। तो फायरलाइट का फाइल गाइस सिंपली ओपन करना है, उसके बाद फाइल पर जाना है। उसके बाद नीचे देख सकते हो गाइस UE4G जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आना है, उसके बाद यहाँ पर आना है, एंड गाइस यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो पेस्ट कर दिया हूँ मैं यहाँ पर गाइस, आपका हो गया है गाइस प्रोसेस कंप्लीट। एंड गाइस ये भी आप लोगों को बताऊंगा गाइस, ये जो लिंक है मैं आप लोगों को जो कॉन्फ़िग फाइल का लिंक है कैसे डाउनलोड करना है वो भी आप लोग गाइस देख लो। ये वाला कॉन्फ़िग फाइल को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ये वाला जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक कॉन्फ़िग फाइल का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ पर पहुँच जाओगे ये वाला वेबसाइट पे। तो यहाँ पर थोड़ा 7 सेकंड गाइस यहाँ पर वेट कर लेना, ठीक है। तो मैं आप लोगों को प्रोसेस दिखा रहा हूँ गाइस, यहाँ पर थोड़ा वेट कर लेना। तो गाइस यहाँ पर वेट करने के बाद गाइस यहाँ पर नीचे देख सकते हो गाइस आप लोगों का जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है टू कंटिन्यू, तो यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा आप लोगों को वेट करना है, प्लीज वेट यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा वेट कर देते हैं गाइस, क्या उसके बाद गाइस क्या होता है यहाँ पर देख लो। उसके बाद गाइस यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस पूरा नीचे आओ, तो नीचे यहाँ पर देख सकते हो कंटिन्यू का जब बटन है यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर थोड़ा रुक जाओ, रुक जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो गेट लिंक करके जो लिखा हुआ है गाइस यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग पूरा पहुँच जाओगे गाइस गूगल ड्राइव पे, ठीक है। तो मैंने गूगल ड्राइव पे लिंक दिया हुआ है यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ से आप लोगों का डाउनलोड कर लेना है गाइस कॉन्फ़िग फाइल, ओके। तो कॉन्फ़िग फाइल गाइस डाउनलोड हो गया, एंड मैंने तो प्रोसेस बता दिया उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो ये गाइस सिंपल सर प्रोसेस था गाइस, एंड गाइस वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को पूरा का पूरा गाइस कंप्लीट हो जाएगा, फुल बॉडी व्यू में आप लोग खेल सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, आप लोग जब एक गेम खेलोगे तो फुल बॉडी होगा, उसके बाद बैक आओगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। फिर से गेम गाइस बैकग्राउंड से हटा देना है, मतलब कि गेम को काट देना है, फिर से गाइस न्यू मतलब कि फिर से रीओपन करना है गेम को, फिर से आप लोग खेल सकते हो, ठीक है। मतलब कि एक गेम के बाद गाइस आपको गेम को गाइस क्लोज कर देना है, फिर से गेम ओपन करना है, फिर से खेलना है, ठीक है। एक गेम के बाद गाइस ये हट जाता है, मैंने खुद
गाइस देखा है, तो इसलिए गाइस आप लोगों को कुछ करना नहीं होगा गाइस, आप लोग सिर्फ गेम खेलो, एक गेम खेलो, फिर गेम को बैक कर दो, गेम को काट दो, फिर से गेम को ओपन करो, ठीक है, तो फिर से आप लोग खेल सकते हो। एंड गाइस आप लोग कैसे डिलीट करना है गाइस ये भी बता दे रहा हूँ गाइस, आप लोग जो फाइल वहाँ पर मतलब कि पेस्ट किए थे वहाँ पर, तो वो फाइल को डिलीट कर दो, वो फिर से आपका गेम जो है नॉर्मल हो जाएगा। ओके तो वीडियो था गाइस इतना ही, आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट करके बताओ, अच्छा लगे तो अभी क्या अभी एक लाइक कर दो, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया क्या यार सब्सक्राइब कर लो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए गाइस, क्योंकि नया चैनल है आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करके रखो, ठीक है। तो गाइस आप लोगों के साथ मिलता हूं और एक नए फ्रेश वीडियो में, तब तक लेटर, बाय बाय, टेक केयर।